तो दोस्तों सीधे हम बात करने वाले आईसीआईसीआई बैंक के बारे में, और आईसीआईसीआई बैंक के अंदर आज हमें यहाँ पर जो है वो प्रोविजनली 1 से 1.5% के अराउंड की एक अच्छी खासी यहाँ पर जो है वो हमें गिरावट, और इसी के साथ आज वापस से काउंटर के अंदर हमें यहाँ पर एक अच्छी खासी नेगेटिव क्लोजिंग भी जो है वो देखने को मिल चुकी है। अब देखो दोस्तों, बात अगर हम करें यहाँ पर राइट नाउ अभी फिलहाल के लिए आईसीआईसीआई बैंक की, तो इस काउंटर के अंदर भी आज हमें ओवरऑल देखने को तो मिली है वैसे गिरावट ही। ये काउंटर भी कहाँ पे 1250 के अराउंड यहाँ पर जो है वो 1.5% तक नेगेटिव नोट पे क्लोज हुआ है। बट अगर आप कैंडल देखोगे तो कैंडल है यहाँ पर आपको ग्रीन कलर का देखने को मिलेगा, दैट मीन्स प्राइस एक्शन वाइज स्टॉक के अंदर जो है वो आज थोड़ी सी हमें बाइंग देखने को मिली है। अब HDFC बैंक क्या है, 1680 के मेजर सपोर्ट पे है, ICICI बैंक 1250 के मेजर सपोर्ट पे है, बैंक निफ्टी सपोर्ट पे है, निफ्टी सपोर्ट पे है। तो अब देखना ही है कि क्या कल मार्केट्स के अंदर रिकवरी आती है, गैप अप ओपनिंग होती है, या फिर मार्केट अगेन एज इट इज़ यहाँ पर ब्लीड करेगा। अगर ICICI बैंक भी 1250 को ब्रेक करके नीचे निकल गया, HDFC बैंक 1680 को ब्रेक करके नीचे निकल गया, तो मार्केट के अंदर और भी ज़्यादा एक्सटेंसिव सेलिंग आने के चांसेस है।